Everyone, I am Professor N.P. Sate, welcomes you all in the 14th lecture of Industrial AC Machine subject. So my dear students, we have completed our three chapters till the last lecture, right? So in today's lecture, we are going to discuss about our next topic. That is, the name of the topic is Synchronous Motor. So ab tak humne jo bhi syllabus dekha hai, उसमें फर्स्ट चैप्टर देखा था हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर देखा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स। देन थर्ड चैप्टर देखा हमने थ्री फेज अल्टरनेटर, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम है सिंक्रोनस मोटर। तो जैसे हमने अल्टरनेटर देखा है, ठीक है, अल्टरनेटर को दूसरा नाम दिया था हमने सिंक्रोनस जनरेटर और एसी जनरेटर, ठीक है। तो वो एसी जनरेटर था या फिर सिंक्रोनस जनरेटर था, अभी ये सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है। तो ये सिंक्रोनस मशीन्स के दो टाइप्स हैं, ध्यान में रखो। एक होता है सिंक्रोनस जनरेटर और दूसरा होता है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस जनरेटर यानी आपका अल्टरनेटर और ये सिंक्रोनस मोटर हमें देखना है। तो जनरेटर का तो फंक्शन मालूम ही है अपने को। जनरेटर का क्या फंक्शन होता है कि इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द जनरेटर। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोटर? सो मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, राइट। सो सिंक्रोनस मोटर ये नाम क्यों दिया है आपको समझ में आया होगा। जैसे हमने अल्टरनेटर, सिंक्रोनस अल्टरनेटर या फिर सिंक्रोनस जनरेटर का जो डेफिनेशन बोला था, वैसे ही यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर का हम बोल सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी बट इट इज रोटेटेड एट अ सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। वो मोटर आपकी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट होती है, तो उसकी वजह से उसको नाम दिया है सिंक्रोनस मोटर, क्लियर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द सिंक्रोनस मोटर। यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर दिखाइए, ये थ्री फेज सप्लाई देंगे हम यहाँ पे स्टेटर को। ये स्टेटर है आपका और ये रोटर है। ये रोटर पे चार पोल दिखाए हैं यहाँ पे, एन, ये एस पोल, ये एन पोल है, ये फिर से एस पोल, ठीक है। सो सिंक्रोनस मोटर का डेफिनेशन दिया है यहाँ पे, मशीन विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी सो दैट रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। जो मशीन क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में और वो रोटेट होती है एक कॉन्स्टेंट स्पीड से और वो कॉन्स्टेंट स्पीड आपकी रहेगी सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल में, ठीक है। कि जी मशीन, सिंक्रोनस मोटर म्हणजे काय, कि जी मशीन आपल्या इलेक्ट्रिकल एनर्जीला मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करते, ठीक आहे, पण ती रोटेट होताना कॉन्स्टंट स्पीड वरती रोटेट होत असते किंवा म्हणजेच कॉन्स्टंट स्पीड ही तिथली सिंक्रोनस स्पीड असायला पाहिजे, ठीक आहे। म्हणजे कॉन्स्टंट स्पीड आणि सिंक्रोनस स्पीड इक्वल असायला पाहिजे तेव्हा त्या मशीनला म्हणतो आपण सिंक्रोनस मोटर, ठीक आहे। सो अल्टरनेटर कॅन बी रन ॲज अ सिंक्रोनस मोटर। अल्टरनेटर कोही हम रन कर सकते हैं सिंक्रोनस मोटर बोल के इफ हम एसी सप्लाई देंगे वहां के आर्मेचर वाइंडिंग को, ठीक है, एंड डीसी सप्लाई देंगे फील्ड वाइंडिंग। और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अल्टरनेटर के दो टाइप्स देखे थे हमने वहां पे, मैंने बोला था आपको। एक होता है रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर और दूसरा होता है आपका रिवॉल्विंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या बोला था मैंने आपको, आर्मेचर वाइंडिंग अगर स्टेटर पे प्लेस की है एंड फील्ड वाइंडिंग अगर रोटर पे प्लेस की है तो वो रहेगा आपका रिवॉल्विंग फील्ड टाइप का अल्टरनेटर, ठीक है। और अगर इसके अपोजिट करेंगे हम, यानी फील्ड वाइंडिंग आप स्टेटर पे प्लेस करोगे एंड आर्मेचर वाइंडिंग अगर आप रोटर पे प्लेस करोगे तो वो होगा आपका रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर, ठीक है। तो अल्टरनेटर को ही हम सिंक्रोनस मोटर बोल के तब यूज कर सकते हैं जब हम आर्मेचर वाइंडिंग को एसी सप्लाई देंगे एंड फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई, ठीक है, क्लियर है। नाउ सो बिफोर स्टार्टिंग द सिंक्रोनस मोटर वी मस्ट नो
सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम होनी चाहिए सिंक्रोनस मोटर के क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्लाइड में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कुछ सिंक्रोनस मोटर के। ठीक है, और तो इसमें क्या दिया है, देखो, सिंक्रोनस मोटर इज इलेक्ट्रिकल आइडेंटिकल विथ एन अल्टरनेटर और एसी जनरेटर। सिंक्रोनस मोटर जी आहे ती इलेक्ट्रिकली आयडेंटिकल असते आपल्या अल्टरनेटर सारखी किंवा एसी जनरेटर सारखीच। ठीक आहे, सिंक्रोनस मोटर ही इलेक्ट्रिकली आयडेंटिकल असते आपल्या अल्टरनेटर सारखी किंवा एसी जनरेटर सारखी। अ गिवन अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मशीन कॅन बी यूज्ड ॲज अ मोटर व्हेन ड्रिवन इलेक्ट्रिकली। आपण जे गिवन अल्टरनेटर असतं, म्हणजेच आपली सिंक्रोनस मशीन असते, तिला आपण मोटर म्हणून सुद्धा यूज करू शकतो जेव्हा आपण तिला इलेक्ट्रिकली ड्राईव्ह करतो किंवा ड्रिव्हन करतो। ठीक आहे, मग या सिंक्रोनस मोटरच्या काय काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत आपल्याला त्या पाहायच्या तिथं। सो सम ऑफ दी कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर आर ॲज फॉलोज। ये कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स आहे सिंक्रोनस मोटर की। उसमें फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे, सो इट रन्स आयदर ॲट सिंक्रोनस स्पीड और नॉट ॲट ऑल। ठीक आहे, सिंक्रोनस मोटर आपकी आइदर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट होती है, रन होती है, या फिर वो उस पे सिंक्रोनस स्पीड से नहीं रोटेट होती है या फिर रन होती है। ठीक है, दैट इज व्हाइल रनिंग इट मेंटेन्स कांस्टेंट स्पीड। जब सिंक्रोनस मोटर रन हो रही होती है तो वो कांस्टेंट स्पीड से रन होती है। ठीक है, समझ लो, ये सिंक्रोनस मोटर आपली एक तर सिंक्रोनस स्पीड वरती रन होईल किंवा ती सिंक्रोनस स्पीड वरतीच रन होणार नाही। क्लिअर, म्हणजेच व्हाईल रनिंग ती तिथं कॉन्स्टंट स्पीड मेंटेन ठेवत असते। सिंक्रोनस मोटर जेव्हा रन होत असते तेव्हा ती कॉन्स्टंट स्पीड तिथं रोटेट होत असते। ठीक आहे, द ओनली वे टू चेंज इट्स स्पीड इज टू व्हॅरी द सप्लाय फ्रिक्वेन्सी। सिंक्रोनस मोटरची जर स्पीड चेंज करायची आहे तर आपल्याला एकच वे आहे, आणि तो म्हणजे सिंक्रोन स्पीड जर चेंज करायची आपल्याला तर तिची सप्लाय फ्रिक्वेन्सी आपल्याला चेंज करायला लागते। द ओनली वे टू चेंज इट्स स्पीड इज टू व्हॅरी दी सप्लाय फ्रिक्वेन्सी। कारण सिंक्रोन स्पीडचा फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी थ्री फेज इंडक्शन मोटरमध्ये, सिंगल फेज इंडक्शन मोटरमध्ये, अल्टरनेटरमध्ये आपण हा फॉर्म्युला पाहिलेला आहे सिंक्रोन स्पीडचा। सो एन एस इज इक्वल टू 120 f/p। सिंक्रोन स्पीड आपली फ्रिक्वेन्सी आणि नंबर ऑफ पोल्सवरती डिपेंड असते, त्यामुळं जर आपल्याला मोटरची स्पीड सिंक्रोनस स्पीड जर चेंज करायची आहे तर आपल्याला तिथली सप्लाय फ्रिक्वेन्सी चेंज करायला लागेल, आणि सिंक्रोनस स्पीड जर चेंज झाली तर ॲटोमॅटिकली आपल्याला माहिती आहे रोटरची स्पीड चेंज होत असते, म्हणजेच आपल्या मोटरची स्पीड तिथं चेंज होत असते। ठीक आहे, तर हे पहिलं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे सिंक्रोनस मोटरचं। दुसरं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे, इट इज नॉट इनहेरंटली सेल्फ स्टार्टिंग। इट इज नॉट इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग। जैसे हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में बताया था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर्स। लाइक दैट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, दिस सिंक्रोनस मोटर इज ऑल्सो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, दैट इज इट इज नॉट इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग। सो इट हैज टू रन अप टू सिंक्रोनस स्पीड और नियर सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, हमें उसको क्या करना होता है, सिंक्रोनस मोटर को एक तो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करना होता है या फिर सिंक्रोनस स्पीड के नजदीक आपने को उसको रन करना होता है बाय सम मींस। वहां पे कुछ मींस यूज करके हम उसको मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे या फिर नियर टू सिंक्रोनस स्पीड पे उसको रन कर सकते हैं बिफोर इट कैन बी सिंक्रोनाइज टू दी सप्लाई। यानी सप्लाई देने से पहले ही, सप्लाई से सिंक्रोनाइज करने से पहले ही हमें क्या करना होता है, उसको सिंक्रोनस स्पीड पे सम एक्सटर्नल मींस यूज करके उसको रन करना होता है। सो दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिंक्रोनस मोटर का, इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड अंडर अ वाइड रेंज ऑफ पावर फैक्टर्स बोथ लैगिंग एंड लीडिंग। इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड अंडर अ वाइड रेंज ऑफ पावर फैक्टर्स। ये सिंक्रोनस मोटर आपकी कैपेबल होती है वाइड रेंज ऑफ पावर फैक्टर्स पे ऑपरेट होने के लिए। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ पावर फैक्टर्स पे ऑपरेट होने के लिए आपकी ये सिंक्रोनस मोटर कैपेबल होती है।
और वाइड रेंज ऑफ पावर फैक्टर्स, यानी आपका वहाँ का पावर फैक्टर एक तो लैगिंग में रहेगा या फिर लीडिंग में रहेगा, ठीक। सो हेंस इट कैन बी यूज्ड फॉर पावर करेक्शन पर्पजेस। तो उसकी वजह से हम उसको पावर करेक्शन पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं, इन एडिशन टू सप्लाइंग टॉर्क टू दी ड्राइव लोड्स, ठीक है। सप्लाई टॉर्क, हम जो टॉर्क सप्लाई करते हैं ड्राइव लोड्स को, उसके एडिशन में हम सिंक्रोनस मोटर को पावर करेक्शन पर्पजेस के लिए भी वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ लो। तो ये है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर, त्याच्यामध्ये काय सांगितलं आपण की सिंक्रोनस मोटर आपली वाइड रेंज ऑफ पावर फॅक्टर्स वरती ऑपरेट होण्यासाठी कॅपेबल असते, म्हणजेच ती लॅगिंग आणि लिडिंग पॉवर फॅक्टर साठी ऑपरेट करता येते आपल्याला, आणि जे आपण सप्लाय करतो टॉर्क ला तिथल्या लोड्सला ड्राइव्ह करण्यासाठी, त्याच्या ॲडिशनमध्ये आपण सिंक्रोनस मोटरला तिथं पॉवर करेक्शन पर्पजेससाठी सुद्धा यूज करू शकतो। सो दीज आर दी सम ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दी सिंक्रोनस मोटर, क्लियर है? नो, सो सिंक्रोनस मोटर्स, हियर इट इज गिवन द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर्स आर वाइडली यूज इन द इंडस्ट्री फॉर हाई प्रेसिजन एप्लीकेशन। सिंक्रोनस मोटर जो होते हैं वो वाइडली यूज होते हैं इंडस्ट्री में, किसके लिए? हाई प्रेसिजन एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। हाई प्रेसिजन च्या एप्लीकेशन साठी इंडस्ट्री मध्ये वाइडली यूज होणारी मोटर आहे आपली सिंक्रोनस मोटर। आणि आपण वरती सांगितलं की दिस मोटर रन्स ॲट अ कॉन्स्टंट स्पीड, ही मोटर कॉन्स्टंट स्पीड वरती रोटेट होत असते, अँड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टॉर्क ॲक्टिंग ऑन इट। ती तिथल्या टॉर्क जो ॲक्ट होतोय तिथं, त्याच्यावरती डिपेंड नसते तिची स्पीड, ती कंटिन्यू मोटर आपली कॉन्स्टंट स्पीड वरतीच रोटेट होत असते। सो इट हॅज अ कॉन्स्टंट स्पीड टॉर्क कॅरेक्टरिस्टिक, त्यामुळे आपल्याला सिंक्रोनस मोटरची जी टॉर्क स्पीड कॅरेक्टरिस्टिक आहे ती कॉन्स्टंट मिळते, ठीक आहे। देन दी इफिशियंसी ऑफ द सिंक्रोनस मोटर इज अराउंड 92-93%। जो इफिशियंसी होती है आपकी सिंक्रोनस मोटर की वो अराउंड 92-93% होती है। एंड सिंक्रोनस मोटर इज अ डबली फेड मोटर। सिंक्रोनस मोटर आपकी डबली फेड मोटर होती है। डबली फीड यानी आपको वहां पे डबल सप्लाई देना होता है। डबल यानी हम एक तो स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं, ठीक है, और वहां पे अगर स्टेटर यानी आर्मेचर वाइंडिंग आपके स्टेटर पे प्लेस की है एंड फील्ड वाइंडिंग सपोज आपके रोटर पे प्लेस की है, तो हम स्टेटर को यानी वहां के आर्मेचर वाइंडिंग को 3 फेज AC सप्लाई देते हैं एंड फील्ड वाइंडिंग को हम वहां पे DC सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो ऐसे दो सप्लाई हम देते हैं, उसकी वजह से सिंक्रोनस मोटर को नाम दिया है डबली फेड मोटर, जैसे हमने अल्टरनेटर में भी किया था, राइट। तो 3 फेज पावर इज गिवन टू द स्टेटर, हम 3 फेज पावर देते हैं स्टेटर को व्हाइल द रोटर इज फेड फ्रॉम अ DC सोर्स फॉर एक्साइटेशन ऑफ द फील्ड वाइंडिंग। और हम रोटर को फेड करते हैं एक्सटर्नल DC सोर्स से ताकि वहां की फील्ड वाइंडिंग क्या हो, एक्साइटेशन मिल सके फील्ड वाइंडिंग को। उसकी वजह से उसके लिए हम रोटर को फेड करते हैं एक्सटर्नल DC सोर्स से, ठीक है। जैसे दोनों तरीके से हम उसको सप्लाई देते हैं डीस, तो उसकी वजह से सिंक्रोनस मोटर को डबली फेड मोटर बोलते हैं, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर आपकी क्या होगी? सिंगल फेड मोटर रहेगी, ठीक है, तो क्योंकि वहां पे हम सिंगल सप्लाई देते हैं, ठीक है। देन द सिंक्रोनस मोटर रोटेट्स एट अ सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सिंक्रोनस स्पीड मोटर जो है वो रोटेट होती है आपकी सिंक्रोनस स्पीड पे, और सिंक्रोनस स्पीड यानी किसकी स्पीड होती है आपकी? RMF की स्पीड, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर ही आपली सिंक्रोनस स्पीड वरती रोटेट होत असते, आणि सिंक्रोनस स्पीड ही कोणाची स्पीड असते? आपल्या रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्डची स्पीड असते, ठीक आहे। सो स्टेटर इज सिमिलर इन कन्स्ट्रक्शन टू दॅट ऑफ अन इंडक्शन मोटर। जे स्टेटर आहे सिंक्रोनस मोटरचा ते सिमिलर कन्स्ट्रक्शनमध्ये आहे इंडक्शन मोटरच्या स्टेटरच्या, ठीक आहे। जसा इंडक्शन मोटरमध्ये स्टेटर आहे तसं सेम सिमिलर कन्स्ट्रक्शनचं स्टेटर आपण सिंक्रोनस मोटरमध्ये यूज करतो। सो सेम प्रिन्सिपल इज अप्लाय टू द सिंक्रोनस मोटर रोटर, त्यामुळं सेम प्रिन्सिपल सिंक्रोनस मोटरच्या रोटरला तर अप्लाय केलं जातं। सो
फील्ड एक्साइटेशन इज प्रोवाइडेड ऑन द रोटर। फील्ड एक्साइटेशन हम रोटर पे प्रोवाइड करते हैं, आइदर हम वहाँ पे फील्ड एक्साइटेशन प्रोवाइड करने के लिए एक तो परमानेंट मैग्नेट्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं विद नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू द पोल्स ऑफ द आरएमएफ। और जो नंबर ऑफ पोल्स रहेंगे आपके वो इक्वल होने चाहिए आरएमएफ के पोल्स से कॉज्ड बाय द स्टेटर। ठीक है, समझ में आया। सो सिंक्रोनस मोटर के यहाँ पे तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये आपका सबसे बीच बीच में का पार्ट आपका शाफ्ट रहेगा, ये आपके पोल्स रहेंगे। ये चार पोल मोटर दिखाई है, फोर पोल मोटर, एन एस एन एंड एस, अल्टरनेट एन एंड एस पोल्स हैं यहाँ। और इस पे जो हर एक पोल पे जो कॉइल वाउंड की है उसको बोलते हैं हम फील्ड कॉइल। और ये फील्ड कॉइल एक दूसरे से हम जब कनेक्ट करते हैं तो उससे बनती है आपकी फील्ड वाइंडिंग। और ये फील्ड वाइंडिंग को हम देते हैं डीसी सप्लाई, डीसी सोर्स, जिसको हम एक्साइटर बोलते हैं। ठीक है, ये स्लिप रिंग्स है आपके यहाँ पे। ठीक है, ये आपका स्टेटर का कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, सो स्टेटर थ्री फेज वाइंडिंग प्रोड्यूसिंग द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। स्टेटर ये आपकी थ्री फेज वाइंडिंग होती है जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, समझ में आया। तो ये कंस्ट्रक्शन है आपके सिंक्रोनस मोटर का। तो इसमें तीन मेन पार्ट्स है। फर्स्ट है आपका लैमिनेटेड स्टेटर कोर विद अ थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये है आपका लैमिनेटेड स्टेटर कोर विद अ थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग। इसमें थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस की होती है। ठीक है, सेकंड है आपका रोटेटिंग फील्ड स्ट्रक्चर कंप्लीट विद अ डैम्पर वाइंडिंग एंड स्लिप रिंग्स। ठीक है, रोटेटिंग फील्ड स्ट्रक्चर होता है उसमें कंप्लीट विथ डैम्पर वाइंडिंग एंड स्लिप रिंग, वो कंप्लीट किया जाता है वहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग एंड स्लिप रिंग को यूज करके। ठीक है, तो रोटेटिंग फील्ड स्ट्रक्चर है आपका यहाँ पे, रोटेटिंग फील्ड स्ट्रक्चर यानी रोट यहाँ पे फील्ड जो है आपकी वो रोटेट हो रही है, यानी रिवॉल्विंग फील्ड स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, और उसमें डैम्पर वाइंडिंग एंड स्लिप रिंग्स भी वहाँ पे यूज किए होते हैं। एंड थर्ड है टू एंड शील्ड्स टू हाउस द बियरिंग दैट सपोर्ट द रोटर शाफ्ट। दो यर्न शील्ड्स होते हैं वहाँ पे जो हाउस करते हैं बियरिंग्स को, और वो बियरिंग सपोर्ट करते हैं आपके रोटर शाफ्ट। ठीक है, तो ये तीन मेन पार्ट्स हैं आपके सिंक्रोनस मोटर के। ठीक है, कुटले कुटले तीन मेन पार्ट्स आप सांगितले अपन। एक म्हणजे लॅमिनेटेड स्टेटर कोर आहे आपली, त्याच्यामध्ये थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग असणार आहे। दुसरं म्हणजे रोटेटिंग फील्ड स्ट्रक्चर असणार आहे ज्याच्यामध्ये आपण डॅम्पर वाइंडिंग आणि स्लिप रिंग सुद्धा यूज केलेले आहे। आणि तिसरं म्हणजे दोन एंड शील्ड्स असणार आहेत ज्या तिथल्या बिअरिंगला हाऊस करतात आणि त्या बिअरिंग्स तिथल्या रोटर शाफ्टला सपोर्ट करतात। ठीक आहे, तर हे आहे आपल्या सिंक्रोनस मोटरचे तीन मेन पार्ट्स। नाउ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में ये देखो अभी ये स्टेटर है आपका। ठीक है, ये स्टेटर पे स्लॉट्स रहेंगे आपके, ये स्लॉट्स में आपके स्टेटर कंडक्टर स्पेस नहीं होंगे। ठीक है, ये स्टेटर कंडक्टर्स आप जब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं तब वहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग बनती है। ये है आपका रोटर, इस पे अल्टरनेट एन एंड एस पोल रहेंगे, और इसके ऊपर जो वाइंडिंग वाउंड की होगी वो रहेगी आपकी फील्ड वाइंडिंग, जिसको हम डीसी सप्लाई देंगे। और यहाँ पे स्टेटर को हम थ्री फेज एसी सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे थ्री फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं और ये फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दे रहे हैं, तो इसकी वजह से उसको नाम दिया है डबली फेड मोटर। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन सिंपल कंस्ट्रक्शन है आपके सिंक्रोनस मोटर का। सो देर इज नो कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस मोटर एंड सिंक्रोनस जनरेटर। कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस कोई भी नहीं है आपके सिंक्रोनस मोटर एंड सिंक्रोनस जनरेटर में। जैसे हम बोलते हैं कि डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर में कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सेम जनरेटर हम उसको मोटर बोल के भी यूज कर सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे भी सिंक्रोनस मोटर एंड सिंक्रोनस जनरेटर में कौन सा भी कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस नहीं है, हम सिंक्रोनस जनरेटर को सिंक्रोनस मोटर बोल के भी वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टेटर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, स्टेटर होता है, सो स्टेटर हैज अ लैमिनेटेड कोर। यहाँ पे भी स्टेटर पे लैमिनेटेड कोर रहेगी विथ स्लॉट्स, उस पे स्लॉट्स रहेंगे टू होल्ड द थ्री फेज वाइंडिंग, उसमें थ्री फेज वाइंडिंग होल्ड की होगी। ठीक है, इथं सुद्धा स्टेटर आपल्याला लॅमिनेटेड कोर पासूनच बनवायचा आहे आणि त्याच्यावरती स्लॉट्स असणार आहेत
त्या स्लॉट्स मध्ये आपण थ्री फेज वाइंडिंग ला तिथं होल्ड केलेलं असतं. देन रोटर होल्ड्स द फील्ड वाइंडिंग, रोटर वरती फील्ड वाइंडिंग होल्ड केलेली असते. अँड द रोटर कॅन बी ऑफ सेलियंट पोल टाईप ऑर सिलेंड्रिकल टाईप. आणि रोटर हे आपला एकतर सेलियंट पोल टाईपचं असेल किंवा सिलेंड्रिकल टाईप रोटर असेल, ठीक आहे. जसं आपण अल्टरनेट मध्ये हे दोन टाईप्स पाहिलेले आहेत ऑलरेडी, ठीक आहे, समझ में आया. रोटर पे यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग को होल्ड किया होता है, और रोटर यहाँ पे एक तो सेलियंट पोल टाइप का रहेगा या फिर सिलेंड्रिकल टाइप का रोटर रहेगा, ठीक है. सो सिंक्रोनस मोटर इज लाइकली टू हंट एंड सो डैम्पर वाइंडिंग्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द रोटर पोल्स. सिंक्रोनस मोटर ह्या कधी कधी सिंक्रोनस मोटर मध्ये हे कधी कधी हंटिंग होत असते. व्हॉट इज हंटिंग विल सी आफ्टरवर्ड्स, ठीक है. आगे के लेक्चर में वो देखने वाले हैं हंटिंग क्या होती है, ठीक है. सो सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग होती है, उसकी वजह से वो हंटिंग को रिड्यूस करने के लिए या फिर मिनिमाइज करने के लिए हम वहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं सिंक्रोनस मोटर में. और वो प्रोवाइड किए होते हैं आपके रोटर पोल्स में. डैम्पर वाइंडिंग्स कहाँ पे प्रोवाइड किए होते हैं आपके रोटर पोल्स में, ठीक है, समझ में आया. तो ये है आपका सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन, क्लियर है. तो इसमें कुछ डाउट है आपको कंस्ट्रक्शन में, क्लियर है. ओके देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सिंक्रोनस मोटर. अभी इसका प्रिंसिपल कैसे है वो? ठीक है, यहाँ पे तीन डायग्राम दिख रहा है आपको. यहाँ पे थ्री फेज एसी सप्लाई दिया है. ये स्टेटर है आपका, ये स्टेटर के दो पोल्स है. ये एन एस पोल है स्टेटर का, ठीक है. स्टेटर का एन पोल है उसकी वजह से एन एस नाम दिया है, और ये स्टेटर का एस पोल है तो उसकी वजह से एस एस नाम दिया है. ये टर्मिनल से एंड बी है आपके पॉइंट यहाँ पे दिखाए हो, और ये एन एंड एन यस आपके रोटर के पोल्स है. ये स्टेटर के पोल्स है और ये रोटर के पोल्स है, ठीक. अभी ये यहाँ पे रोटर की पोजीशन ऐसी दिखाई है, यस यस पोल ऊपर आया है यहाँ पे, ठीक है, स्टेटर का, और एन एस पोल नीचे गया है. ये रोटर का एन पोल है, ये रोटर का एस पोल है, और यहाँ पे फिर से एन एस पोल आया है, स्टेटर का एन पोल है, ये स्टेटर का एस पोल है. ये अभी रोटर का पोल यहाँ पे यस है एंड रोटर का यहाँ पे एन पोल है. तो ऐसे तीन डायग्राम्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, क्लियर है. नाउ इसमें देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन कैसे होता है सिंक्रोनस मोटर का. कि पेन अ थ्री फेज वाइंडिंग इज फेड बाय अ थ्री फेज सप्लाई. जब हम थ्री फेज वाइंडिंग को फेड करते हैं थ्री फेज सप्लाई से, देन अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड बट रोटेटिंग एट अ सिंक्रोनस स्पीड इज प्रोड्यूस. तब वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जिसका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है पर वो रोटेट हो रहा है सिंक्रोनस स्पीड से, ऐसा वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है. जो अपन थ्री फेज वाइंडिंग ला थ्री फेज एसी सप्लाय प्रोवाइड करतो है तेव्हा तिथं मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होतो. ज्याचं मैग्नेट्यूड हे कॉन्स्टंट असतं पण ते रोटेट होत असतं सिंक्रोनस स्पीड वरती, असं मैग्नेटिक फ्लक्स तिथं प्रोड्यूस होतो, ठीक है. नाउ कन्सिडर अ टू पोल स्टेटर ऑफ फिगर 38.2. इथं टू पोल, इथं दोनच पोल दाखवले आहेत आपण. स्टेटरचे दोन पोल दाखवले आणि रोटरचे दोन पोल दाखवले. सो कन्सिडर अ टू पोल स्टेटर ऑफ फिगर 38.2 इन विच आर शोड टू स्टेटर पोल्स, ठीक है. यहाँ पे दो स्टेटर पोल्स दिखाए हैं, जैसे हमने दिखाए हैं एनएस एंड एसएस. ये स्टेटर के पोल्स है आपके रोटेटिंग एट अ सिंक्रोनस स्पीड, वो रोटेट होते हैं आपकी सिंक्रोनस स्पीड से इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सपोज ये रोटेट हो रहे हैं आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, यहाँ पे दिखाया है आपको, ये एरो दिखाए हैं यहाँ पे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हो रहे हैं आपके स्टेटर के पोल्स. ये स्टेटर का आपका ये एन पोल है और ये स्टेटर का एस पोल, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हो रहा है, ठीक. सो विद द रोटर पोजिशन एज शोन, सपोज द स्टेटर पोल्स आर एट दैट इंस्टंट सिचुएटेड एट पॉइंट ए एंड बी. या रोटर पोजिशनला जी शोड केलेली अपन, सपोज आपले स्टेटर पोल्स हे कसे आहेत, स्टेटर पोल्स आर ऍट दॅट इन्स्टंट सिच्युएटेड ऍट पॉइंट्स ए अँड बी, ठीक आहे. या ए अँड पॉइंटला हे स्टेटरचा पोल इथं एन एस आहे आणि हा स्टेटरचा पोल इथं एस आहे, ठीक आहे, या ए आणि बी पॉइंट्सवरती.
two similar poles N of the rotor and NS of the stator, as well as S and SS will repel each other. त्यामुळे इथं जे दिसतंय तुम्हाला हा एन पोल जो आहे रोटरचा तो या स्टेटरच्या एन पोलला रिपेल करेल, आणि हा स्टेटरचा एस पोल जो आहे तो या रोटरच्या एस पोलला रिपेल करेल. ठीक आहे, त्यामुळं विथ द रिझल्ट दॅट द रोटर टेंड्स टू रोटेट इन द अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. त्यामुळं रोटर आपलं काय होईल, अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये तिथं रोटेट होईल. ठीक आहे, ये रोटर क्या हो जाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा. ठीक, सो बट हाफ अ पीरियड लेटर, जेव्हा हाफ पीरियड होईल आपला त्यानंतर काय होईल, स्टेटर पोल्स हॅविंग रोटेटेड अराउंड इंटरचेंज देअर पोझिशन. स्टेटर पोल्स काय करतील, त्याची पोझिशन ते इंटरचेंज करतील. आता या सेकंड फिगर मध्ये तुम्हाला दिसतंय इथं सुरुवातीला स्टेटरचा एन पोल होता, आता तो एस झाला, आणि इथं स्टेटरचा एस पोल होता तो आता इथं एन झाला. त्यामुळे स्टेटरच्या पोल्सने त्याची पोझिशन काय केली, इथं इंटरचेंज केली. ठीक आहे, दॅट इज एन एस इज ॲट पॉईंट बी आणि एस एस ॲट पॉईंट ए होईल. ठीक आहे, एन एस ॲट पॉईंट बी अँड एस एस ॲट पॉईंट ए होईल, पोझिशन चेंज झाल्यानंतर. ठीक आहे, सो अंडर दीज कंडिशन्स एन एस अट्रॅक्ट्स एस अँड एस एस अट्रॅक्ट्स एन. ठीक आहे, या पोझिशनला आता हा जो स्टेटरचा एन पोल आहे तो या रोटरच्या एस पोलला अट्रॅक्ट करेल, आणि तसाच हा स्टेटरचा एस पोल हा रोटरच्या एन पोलला अट्रॅक्ट करेल. ठीक आहे, सो त्यांना अट्रॅक्ट केल्यामुळे काय होईल, हेन्स रोटर टेन्स टू रोटेट क्लॉकवाईज. त्यामुळे रोटर आपला क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये रोटेट होईल, विच इज जस्ट द रिव्हर्स ऑफ द फर्स्ट डायरेक्शन. सुरुवातीला अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन रोटर रोटेट झाला होता, पण आता कुठल्या डायरेक्शन रोटर रोटेट होईल, आपल्या क्लॉकवाईज डायरेक्शन, कारण एन एस पोल अट्रॅक्ट करणारे एस पोलला आणि एस एस पोल अट्रॅक्ट करणारे एन पोल. सो नाव कन्सिडर द कंडिशन शोन इन द फिगर 38.3A. ए डायग्राम मध्ये जर पाहिलं तुम्ही तर स्टेटर अँड रोटर पोल्स आर अट्रॅक्टिंग इच अदर. इथं स्टेटर आणि रोटरचे पोल एकमेकांना काय करतायत, अट्रॅक्ट करतायत. ठीक आहे, या डायग्राम मध्ये नाउ सपोज दॅट द रोटर इज नॉट स्टेशनरी. नाउ हम ऐसा सपोज करेंगे की रोटर आपका स्टेशनरी नाही आहे, सो बट इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन. वो रोटेट हो रहा है आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन से विद सच अ स्पीड दॅट इट टर्न्स थ्रू वन पोल पिच बाय द टाइम द स्टेटर पोल्स इंटरचेंज देअर पोझिशन ॲज शोन इन द फिगर 38.3B. ठीक आहे, आपण असं सपोज केलंय की रोटर हे स्टेशनरी नाही आहे आपला, पण तो रोटेट होणार आहे क्लॉकवाईज डायरेक्शन, तो अशा प्रकारे रोटेट होईल की त्याची स्पीड जी आहे ती टर्न होईल तिथल्या एक पोल पिच एवढ्या टाईमनं स्टेटर पोलचं. ठीक आहे, तिथली स्पीड काय होईल, टर्न होईल एका पोल पिचनं टाईमच्या, आणि स्टेटर पोल्स हे त्याचे पोझिशन काय करतील, परत इंटरचेंज करतील, अँड अगेन स्टेटर अँड रोटर पोल्स अट्रॅक्ट इच अदर. त्यामुळे परत स्टेटर आणि रोटरचे पोल काय करतील, एकमेकांना अट्रॅक्ट करतील. परत इथं दिसतंय तुम्हाला 38.3B फिगर मध्ये की हा रोटरचा एन पोल या एस एस पोलला अट्रॅक्ट करेल, आणि हा रोटरचा एस पोल हा तिथल्या स्टेटरच्या एन एस पोलला अट्रॅक्ट करेल. ठीक आहे, हेन्स अगेन स्टेटर अँड रोटर पोल्स अट्रॅक्ट इच अदर. सो इट मीन्स दॅट इफ द रोटर पोल्स ऑल्सो शिफ्ट देअर पोझिशन्स. ठीक है, रोटर पोल जैसे ही वहां पे उसकी पोजिशन शिफ्ट कर रहे हैं विद द स्टेटर पोल्स, देन दे विल कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंस ए यूनिडायरेक्शनल टॉर्क. तो वो क्या करेंगे, एक वहां पे कंटिन्यूअसली एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क वहां पे एक्सपीरियंस करेंगे रोटर के पोल्स. ठीक है, सो दैट इज क्लॉकवाइज टॉर्क एज शोन इन द फिगर. वहां पे क्लॉकवाइज टॉर्क वहां पे प्रोड्यूस होगा 38.3 फिगर. क्लियर, समझ में आया? तो ये है आपके सिंक्रोनस मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल. क्लियर है, कुछ डाउट है इसमें? सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सिंक्रोनस. तो आपको आज के पॉइंट में कुछ डाउट है तो आप जरूर भी पूछ सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.